मॉर्निंग। नमस्ते, सिट डाउन सिट डाउन। आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में? हम तो किसी भी भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको किसी भी भाषा में नहीं, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा में जवाब देना है। ठीक है, जो आप ठीक समझे। तो ठीक है, बताइए आप वीडियो क्यों बनना चाहती हैं? हम वीडियो इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हमें अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। अच्छा मिस प्रियंका राज, आप हमें ये बताइए कि ये जो आजकल अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रक्रिया है? आपकी राय क्या है? अन्ना हजारे जी, ओए ना, जो आजकल टीवी में बहुत दिखाई देते हैं, वो तो शायद भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लड़ रहे हैं, है ना? भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचती हैं? वो तो बहुत बुरी चीज है, हमें उसे नहीं करना चाहिए। ये क्या मजाक है? आप इंटरव्यू रूम के अंदर मोबाइल लेकर चली आई? आप अपना मोबाइल तुरंत बंद कीजिए, वरना हमें आपका इंटरव्यू बंद करना पड़ेगा। अच्छा आप हमें ये बताइए कि बिहार में पटना के अलावा कौन सा ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? जनसंख्या के हिसाब से पटना के बाद है भागलपुर। नहीं नहीं, अब मुजफ्फरपुर हो गया है। गया है, हाँ हाँ गया है, करेक्ट। पटना के बाद गया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, राइट राइट आंसर, गुड वेरी गुड। थैंक यू। ये देखिए आ गया हमने पिंकी। अरे कैसा रहा बेटा? क्या हुआ, कैसा हुआ तुम्हारा इंटरव्यू? अरे रुक जाइए, पहले उसको जूस पिलाओ, पीने दीजिए, अब जवाब दो पीने के बाद। हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, एकदम फंटास्टिक। बैठो बैठो बैठो, चलो चलो बैठो, और जूस पिलाओ, और जूस पिलाओ, बैठो। राज का हुआ? हमारी बात सुनो। अरे लेकिन बात क्या है? अरे तो नाम बोल रहा है, ये तो सही जरा देरी हो। आप हमारी बात तो सुनो। ये लीजिए, थोड़ा देर तक कृष्णा राज का नाम नहीं लेना है। पर अब कोई कैंडिडेट नहीं बचा है, अब तो नाम लेना ही पड़ेगा। अब तो हो जाएगा। हम सही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी नौकरी का सवाल। हमको माफ कर दीजिए, अब नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमारा बात अगला कैंडिडेट है मिस कृष्णा राज। हम दोबारा बुला रहे हैं मिस कृष्णा राज। वो तो अभी तक पहुंची नहीं, इंटरव्यू का काग देगी। हम आखिरी बार कह रहे हैं, कृष्णा राज कृष्णा कहाँ थी तुम? सर,
हम ए, अपना चेहरा साफ करो, ऐसे इंटरव्यू में नहीं जा सकते हैं। दुपट्टा से नहीं, रुको, रुमाल दो अपना पिंटू। दो ना रुमाल। चलो अब जाओ। पापा वो तो बस स्टैंड में ही रह गए। चलिए। क्या हुआ कृष्णा, काहे रुक गई? सर वो हमारे पापा वहां रहे। कृष्णा अभी उस सब का चिंता छोड़ो, खाली अपना इंटरव्यू पे ध्यान दो। चलो जाओ। अरे हाँ आनंद, वो फाइल दो, फाइल दो, एडमिट कर दो। चलो 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 अब जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। अरे चलिए कृष्णा राज जी, दो बार हम आपका नाम बुलवा चुके हैं, वो तो भला मनाइए ये भैया जी का जो दो बार आपका इंटरव्यू टलवा चुके हैं। अब चलिए चलिए, लेट हो रहा है। तो कोई नहीं है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? लेकिन कमरा तो इंटरव्यू का ही लग रहा है। अरे अरे पब्लिक, आपने कृष्णा को देखा था? वो तो कहीं मिल ही नहीं रही है। उसका इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू नहीं दे पाई तो आप समझिए कि उसके सारे साल भर का मेहनत जो है। चाचा मेरा बात सुनिए, कृष्णा आ गई है अंदर इंटरव्यू दे रही है। हाँ चाचा, कृष्णा आ गई है अंदर इंटरव्यू दे रही है। देख रही है काली बिल्ली का हाल कर दिए है। आ गए हैं तो मिल लेते हैं ना, वरना ये पिंटू जी बबलू जी कहां सोचेंगे। भैया, विद्या भैया कहां फंस गए थे? हम कितना परेशान हो गए थे, आपका फोन आया तो कट गया, दोबारा काहे नहीं किए? अरे वो बिहारी का हुआ कि अब बस डिपो के वेटिंग रूम से हमारा कोई बैग उठा करके एक आदमी भाग गया, और हम तो कृष्णा को इधर उधर ढूंढते रहे, हम तो भागते भागते बहुत थक गए, हमारा तो कंठ सूख रहा है। अब पानी पीजिएगा, एक मिनट लाइए जी, पानी दीजिए। पानी तो हमारा झूठा है। अब जेठ जी को अपना झूठा पानी पिला के अपने माथा पे का पाप चढ़ाएंगे। चाचा आइए बाहर चलते हैं। आप हो क्या, ये हम यहीं बैठते हैं। हम अभी एक बोतल 12 रुपए में आता है, जिसको पीना खरीद के पिए, अब तो बड़े आए बिटिया को अफसर बनाने। गुस्सा थूक दीजिए ना, हैं? आगे का खेला देखिए आप। विद्या भैया बाहर पानी पियेंगे तो अंदर हमरा साहब कृष्णा को पानी पिलाएंगे।
नमस्ते, बैठ जाइए। ये क्या बदतमीजी है? आपसे बैठने के लिए कहा, इसके बाद भी आप खड़ी हैं, हमारी बात की अवहेलना कर रही हैं। माफ कीजिएगा सर, आपके पैनल के सारे लोग अब तक नहीं आए हैं, सो हम। तुमको कैसे मालूम? सर वो दो कुर्सियां अभी भी खाली हैं, अगर हम बाकी के दोनों सदस्यों के आने के पहले बैठ जाएं, तो ये उनका अपमान होगा। सब तुम लोगों की इतनी हिम्मत की तुमने हमें रिश्वत दी? मैं तुम जैसे लोगों को अफसर कभी नहीं बनने दूंगा। नमस्ते सर। बैठी मिस कृष्णा, आपका इंटरव्यू अंदर आते ही शुरू हो चुका है और हम सब यही देख रहे थे कि इस कमरे को खाली देखकर आप क्या करती हैं। तो मिस कृष्णा विद्यापति राज, पिंटू जी आप कहाँ जा रहे हैं? बबलू भैया के साथ चाय पीने जा रहे हैं, कौन है प्रॉब्लम? नहीं नहीं एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या है? वो आपका रुमाल गंदा हो गया ना, तो हम आपके लिए गाड़ी से ये ले आए वेट टिश्यूज। अब अपना रुमाल फेंक दीजिए और इसे रख लीजिए। नहीं धन्यवाद। और आप एक रुमाल के लिए काहे अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं? अब आपका ख्याल तो हमें ही रखना है ना। हम अपना ख्याल खुद रख सकते। कृष्णा आप बिहार राज्य में वीडियो बनना चाहते हैं राइट? लेकिन तत्कालिक समय में हमको प्रवासी बिहारियों से सुनने में आया है कि बिहारी लोगों की छवि देश के बाकी राज्यों के सामने काफी खराब हो चुकी है, इसका क्या कारण है? क्या हमारी संस्कृति में कोई त्रुटि है? हमको गर्व है कि हम बिहार का मिट्टी में पैदा हुए। ये भूमि हमको देवी सीता, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे प्रतिभाशाली लोग दी। इसी भूमि पर आकर गौतम बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ। गांधी जी अपना देश का आजादी का सत्याग्रह के लिए यहीं का चंपारण का भूमि चुने थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी भूमि पर स्थित है। इसलिए ये कहना कि हमारा संस्कृति में त्रुटि है, माफ कीजिएगा, गलत होगा। हाँ ये सच है कि पिछला कुछ सालों में हमारा राज्य में उन्नति कम हुआ था और बेरोजगारी बहुत बढ़ गया था, जिसका वजह से हमारे यहाँ के काफी लोगों को हमारा राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रोजगार ढूंढना पड़ा। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश का नौजवान वर्ग अगर सही और सुदृढ़ शिक्षा को आधार बनाए तो पूरा देश का प्रगति हो सकता है। शिक्षा ही हमारे नौजवान को भटकाव से बचाएगी और सही रास्ता पर लाएगी, जिससे हमारा देश विकासशील नहीं विकसित देश कहलाएगा। हेलो, क्या वो एग्जामिनेशन बोर्ड से फोन आया? वीडियो की परीक्षा में कुछ धांधली हुई है, इसलिए सीएम के अगले आदेश तक के लिए इंटरव्यू रोका जाता है।
एग्जामिनेशन बोर्ड। शांत रहिए। अब राज्य सरकार भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करे बताइए। बीडीओ की परीक्षा पास करने के लिए लोग कुछ भी धांधली करने लगे। मिस कृष्णा, आपने भी कुछ हेरा फेरी की यहां तक आने के लिए? सर, हमको सिर्फ दो ही चीज आता है। कौन सी दो चीजें? मेहनत और ईमानदारी। इसी के भरोसे हम यहां तक पहुंचे हैं सर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, बंद करो, बंद करो, कभी ऊपर करो। एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड। किए कहां जा रहे हैं आप लोग? अंदर इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू चल रहा है ना, हम उन्हें बंद कराने आए, समझे आप लोग? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, किसी के जीवन का सवाल है। अच्छा, और हमारा जीवन जो बर्बाद हो रहा है उसका का? हा? जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं होता कोई अंदर नहीं जाएगा। बंद करो, बंद करो। अरे कहां जा रहे हैं आप लोग? बंद करो, बंद करो। अरे जा कहां रहे आप लोग? अरे रुकिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी। एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड। ये इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये क्या तरीका है? आप लोग इस तरह से अंदर कैसे आए? देखिए, वीडियो के परीक्षा में धांधली हुआ है और हम इसके ऊपर जांच मांग रहे हैं। आपकी सारी बातें बेबुनियाद है। यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज गेट आउट। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये इंटरव्यू बंद नहीं हो जाता। एग्जामिनेशन बोर्ड, हाय हाय, एग्जामिनेशन बोर्ड, हाय हाय, ये इंटरव्यू बंद करो, बंद करो, बंद करो, बात सुनिए पहले, बंद करो, हाय हाय, एग्जामिनेशन बोर्ड, हाय हाय, एग्जामिनेशन बोर्ड, हाय।